लॉस की तरफ से आए हुए गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग पर गैदर कर लिया है। बहुत ही प्यारे तरीके से बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन है। नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। इसको मैं अपनी मर्जी से स्टिच करवा सकती हूँ। एक और बहुत क्यूट चीज है वो है ये। अल्लाह कितनी क्यूट लग रही है ये। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अभिका काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला व्लॉग है एक तरीके से, और सच बताऊं मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना इस वीडियो के लिए कि बस मेरी खुशी का आप लोग अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ अपने सारे गिफ्ट्स की जो कि मेरे इन लॉज की तरफ से आए हैं। और आप लोग को पता है जब भी उनकी तरफ से गिफ्ट आते हैं मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। सच बताऊं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना ज्यादा एक्साइटेड हम लोग थे हर फंक्शन के लिए वो सारे फंक्शन कंप्लीट हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुए। हमने सच बताऊं इतना ज्यादा सोचा भी नहीं था, लेकिन सारी चीजें अल्लाह ताला ने करवाई हैं, सारे असबाब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। आगे और भी बहुत सारी चीजें जिसकी आप लोग को यू नो वीडियोस देखने को मिल रही होंगी कि आगे क्या होने वाला है, तो भाई वो भी मैं आप लोग को इंशाल्लाह टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी अपडेट्स आप लोग ऑन टाइम मिले। जल्दी से आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग करने वाले हैं लॉस की तरफ से आए हुए गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह सारी बास्केट जितनी भी आई थी उसको मैंने यहाँ पर गैदर कर लिया है। बहुत ही प्यारे तरीके से बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन है माशाल्लाह माशाल्लाह। और सच बताओ उसके अंदर एक और बास्केट थी जो कि थी फ्रूट्स की बास्केट, क्योंकि हमारे इवेंट को गुजरे हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं तो वो ऑब्वियसली फ्रूट की बास्केट ऐसे में सजा के तो रख नहीं सकती थी, तो वो जैसी ही आई थी वैसी ही सब कजन्स आए होते सब ने मिलकर खत्म कर ली थी। आप लोग बताइए शादी वाले घर में इस तरह का सीन होता रहता है, तो खैर ये बास्केट मैंने अलग से निकाल के रखी थी, तो मैंने कहा था प्रॉपर एक तरीके की वीडियो बना के अपने फैंस से शेयर करूंगी, उनके सामने अनबॉक्सिंग करूंगी और देखूंगी कि हमारे पास क्या क्या आया है। 2000 years later। मैम आप वीडियो बना रही थी। गाइस वीडियो बनाते बनाते ना एक तो मैसेजेस आना शुरू हो गए, क्या ही करें बंदा, एक मिनट रुक जाए। कैमरा बंद करके रुकूं या ऑन करके? बंद कर दे। समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खैर इसकी अनबॉक्सिंग तो मैं करूंगी नहीं क्योंकि इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है, इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और इसको मैं ऐसे ही रखूंगी। ये है एक जिसके अंदर बहुत सारी प्यारी प्यारी हील्स हैं, खुस्से हैं, आप लोग को ऐसे ही नजर आ रहा होगा। जब से ये ब्लैक खुस्से आ रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, सारे ही बहुत ज्यादा प्यारे हैं। इसको भी हम एज इट इज ऐसे ही रख देंगे। स्टार्ट करते हैं इससे, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। गाइस मैं अनबॉक्सिंग के मामले में बहुत खराब हूँ, मुझसे होती ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं असली लूप वाली अनबॉक्सिंग करूँ ना आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। इतने प्यार से मैंने जिंदगी में कभी अनबॉक्सिंग नहीं की होगी जितने प्यार से मैं ये बास्केट की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। स्पेशल है ना गाइस। ओह सच अ प्रिटी, आई गेस ये अनस्टिच है बट ये बहुत प्यारा कपड़ा लग रहा है। कलर एक्चुअली बहुत ज्यादा प्यारा है और डिजाइन इसमें बहुत ज्यादा प्यारा है। और सच बताऊं मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एक जब भी मर्जी होती है ना वो ही सबसे अच्छा होता है। जब भी स्ट्रेच होगा ना मैं आप लोगों को स्टाइल करके जरूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्यूट सी बास्केट जिसके अंदर मुझे ज्वेलरी नजर आ रही है। इस बास्केट के अंदर मेरे पास है बहुत प्यारी सी गोल्डन चूड़ियां, साथ ही साथ छोटे छोटे इयररिंग्स हैं। मजे की बात ये कि बॉक्स में है ही तो आराम से मैं बॉक्स वगैरह जो है ना आराम से पैक करके रख सकती हूँ। और नहीं क्यूट है ये नेकलेस और इसी के मैचिंग के टॉप्स। अभी भी यहाँ पर मैं दिए भूली हूँ भाई, मुझे सच बताऊं तो ये छोटी छोटी क्यूट क्यूट से झुमके जो है ना इतने क्यूट लगे ना कि बस क्या ही बताऊं। खैर नेक्स्ट मैं ओपन करने वाली हूँ ये वाली प्यारी सी बास्केट, तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है ये परफ्यूम,
प्यारे से कड़े, मेरे पास छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी सिल्वर में चूड़ियाँ। ग्रीन के जितने भी शेड्स होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है, और ये वाला शेड तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। नेक्स्ट है मेहंदी, और ये तो बहुत मेरे ख्याल से मस्ट होता है, ईदी हो या गिफ्ट हो ससुराल की तरफ से जो भी आता है उसका ना मेहंदी तो मस्ट है। और जब से ये मेहंदी लगी हुई है ना हाथ में तो मेरे को दुल्हन दुल्हन वाली फीलिंग्स आ गई, बट बहुत प्यारी फीलिंग्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है क्लच, ओ प्रिटी, ओ ये कितना प्यारा है। ये बहन की बैग कलेक्शन में ना ये दोनों भी ऐड हो चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा प्यारे हैं। यहाँ पे जो ये मेरे पास 3 बास्केट्स बची हैं इसके अंदर भी बहुत प्यारे प्यारे से कपड़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे एक्चुअली कलर्स हैं। सच बताऊँ तो कलर्स के मामले में ना आपकी बहन बहुत ज़्यादा चूज़ी है, मुझे ना इतनी आसानी से हर कलर पसंद नहीं आते। अब आप लोग सोचोगे कि इवेंट्स में आपने इतने यूनिक कलर्स पहने, तो सच बताऊँ इसके पीछे भी पूरी एक एक हिस्ट्री है। जो इतने ड्रेसेस दिखाए गए हैं, भैया ने इतने ड्रेसेस पसंद किए, मम्मा ने अलग पसंद किए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा ड्रेस का कलर मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। और मैं हमेशा से चाहती थी कि ऑब्वियसली जब मेरा इवेंट आए तो उसमें मैं बिल्कुल अलग लगनी चाहिए, बिल्कुल अलग कलर हो, मैंने कभी पहना ही ना हो, तो वो ही हुआ। ढोलकी वाला जो ड्रेस था उसका कलर कितना ज़्यादा यूनिक था, एंगेजमेंट वाला था वो कलर भी मैंने उससे पहले कभी नहीं पहना था, फंक्शन का कलर ड्रेस हर चीज़ मुझे बहुत दिल से पसंद थी, दिल से मैंने अपना हर लुक क्रिएट किया था, और आप लोगों ने इतना पसंद किया मुझे बहुत खुशी हुई है। ये सारे कलर्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये जो स्नैक्स वाली बास्केट होती है ना ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब देख के ही मुंह में पानी आ जाता है गाइस। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले है मेरे पास, सच बताऊं पाकोला से ना आई एम ऑब्सेस्ड दीस डेज गाइस, मुझे बहुत पसंद है। ये है मेरे पास बिस्किट्स, है मेरे पास चिप्स, ये खोपरा कैंडी है, और सच बताऊं इस कंपनी के नूडल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये है मेरे पास वेफर्स, हुसैन को बहुत पसंद है, मुझे लगता है उनको लग रहा होगा कि मुझे पसंद है, रबीका को भी पसंद होगा, इसलिए उन्होंने वेफर्स भी भर दिए। तो ये थी मेरे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग, और सारे ड्रेसेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, जो अनस्टिच हैं उनको जाके मैं प्यारी तरीके से स्टिच करवा के अच्छा सा स्टाइल करके आप लोगों से शेयर करूँगी। वैसे एक बात है, हम दोनों को एक चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इतने प्यारे कमेंट्स किए हैं आप लोगों ने, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी हैं हम दोनों को, बहुत दिल से खुशी गाइस। और इतने सारे जो फंक्शंस हम लोगों ने किए हैं हमारी खुशी थी उसके अंदर, और जितनी एफर्ट्स हम लोग डाल सकते थे ना हमने डाली है, बहुत प्यारा आउटलुक निकल के आया। बट आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कौन सा फंक्शन, कौन सा इवेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं आप सबका भी ओपिनियन जानना चाहती हूँ। और सच बताऊँ तो हर एक एक इवेंट में, चाहे डांडिया नाइट हो, चाहे ढोलकी नाइट हो, चाहे एंगेजमेंट हो, इन तीनों में कुछ ना कुछ स्पेशल था ही। डांडिया में जो हमारी एंट्री थी वो बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, साथ ही साथ ढोलकी में जो मैंने हुसैन के लिए सरप्राइज प्लान किया था और हुसैन का जो डांस था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, उनके लिए मेरा वाला सरप्राइज बहुत ज़्यादा स्पेशल था। साथ ही साथ एंगेजमेंट में उन्होंने मुझे जो सरप्राइज दिया और मैंने जो उनको गाना गा के सरप्राइज दिया, ओहो माइंड ब्लोइंग, सारे फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, सब इतना बढ़ चढ़ के आगे आ रहे थे, इतने प्यारे तरीके से ख्याल रख रहे थे, साथ साथ थे, कोई भी काम हो हमें बताएं, मुझे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान खुश होता है और चीज़ें ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं। यही चीज़ें जितने भी हमारे दोस्तों ने हमारा साथ दिया उनका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस हमेशा दुआओं में याद रखें, क्योंकि अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, आगे बहुत सारे फंक्शंस बाकी हैं, और मुझे यकीन है हमारे फैंस कब से चाहते थे कि हम दोनों एक हो जाएं, इतने मैसेजेस आते थे। सच बताऊं प्यार तो मिलता ही था, नेगेटिविटी भी थी इस चीज़ के अंदर, लेकिन जो आपके नसीब में होता है ना वो चीज़ होके रहती है, तो हमेशा यकीन रखना चाहिए और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, तो देखना कैसे आपकी मंजिल आसान हो जाएंगी और कैसे सारी सिचुएशंस आप लोग यूं चुटकी में निकल जाओगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो मैं Q&A की वीडियो बनाऊंगी, हुसैन और मैं इंशाल्लाह दोनों, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने भी फैंस के दिलों में सवालात हैं उन सारे सवालों का हमें जवाब देना है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा प्यार बरसाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।